भोजपुरी दुनिया में 50 से 60 करोड़ लोग, बल्कि भोजपुरी दुनिया को जानता है और एक्टिव रहता है। 50 से 60 करोड़ लोग भोजपुरी गाना फिल्म देखता है और वो एक्टिव लोग है। इन सभी में से भोजपुरी में से आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि भोजपुरी में हीरोइनी वो किस जाति से बिलोंग करता है और वो किस जाति का है और वो कहाँ कहाँ से आया है और किस किस जाति से वो है। तो चलिए वीडियो को अब शुरू करते हैं और देखते रहिए AKM भाई यूट्यूब चैनल, और नए है तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। मैं डेली भोजपुरी का कुछ ना कुछ नया लेके आते रहता हूँ। इसलिए दोस्तों पहले बात करते हैं काजल यादव का। पहले मैं बात किया काजल यादव का, ये भी बहुत सारे एक्टर डायरेक्टर के साथ काम कर चुके हैं और इस हीरोइन को भी भोजपुरी फिल्म देखने वाले लोग सभी पहचानते हैं। तो ये काजल यादव को आप देख को ही पहचान रहे, इसको नाम से ही आप समझ गए होंगे कि काजल यादव यानी कि ये यादव जाति से बिलोंग करता है, ये यादव जाति का है, काजल इसको नाम है। और ये काफ़ी खेसारी लाल, दिनेश लाल, पवन सिंह के साथ बहुत सारे हीरो के साथ, ये भोजपुरी हीरो के साथ काम किया हुआ है, तो ये यादव जाति से बिलोंग करता है। अब बात करते हैं मधु शर्मा के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अब मधु शर्मा के बारे में बात करें, मधु शर्मा ये ब्राह्मण जाति का है, मधु शर्मा ये ब्राह्मण जाति का है। बहुत सारे एक्टर और हीरो के साथ ये भी काम कर चुके हैं, जैसे कि पवन सिंह के साथ योद्धा फिल्म में काम किया, बहुत इसका फिल्म हिट हुआ, जो योद्धा फिल्म था बहुत सुपर डुपर हिट फिल्म हुआ पवन सिंह के साथ, और खेसारी लाल के साथ भी काम किया है, निरवा के साथ भी काम किया है, तो ये ब्राह्मण जाति से बिलोंग करता है। अस्मिति सिन्हा, जी हाँ भाई लोग, आप लोग अस्मिति सिन्हा के भोजपुरी में बहुत दिनों से है और काफ़ी दिनों से ये फिल्म निकालते आ रही है, जैसे कि खेसारी लाल के साथ, पवन सिंह के साथ, दिनेश लाल के साथ, मनोज तिवारी के साथ, रवि किशन के साथ, बहुत सारे भोजपुरी हीरो के साथ ये काम किया अस्मिति सिन्हा, और ये लाला जाति से है। जी हाँ दोस्तों, ये लाला जाति से बिलोंग करता है, ये लाला भी एक जाति होता है और ये लाला जाति से है। बहुत सारे भोजपुरी फिल्म ये निकाला है और इसके फिल्म काफ़ी सुपर डुपर हिट हुआ और काफ़ी फिल्म इसको चला भी भोजपुरी जगत का, ये भी एक बहुत सी पुराना एक्टर है, ये लाला जाति से बिलोंग करता है। अंजना सिंह, जी हाँ दोस्तों, अंजना सिंह भोजपुरी में, ये बिहार का ही है और काफ़ी पुराना हीरोइन है ये भी, ये भोजपुरी में बहुत दिनों से भी काम करते हैं, बहुत सारे फिल्में निकाली है, बल्कि साल दो साल में ही 30 भी फिल्म से ज़्यादा फिल्म ये निकाल चुकी है और निकालता भी है, साइन कर दिया है, ये भी काफ़ी दिनों से, और ये जो ब्राह्मण जाति से बिलोंग करता है अंजना सिंह, ये ब्राह्मण जाति से बिलोंग करता है और ये भोजपुरी एक्टर का, ये भी एस कुमार से इसको शादी हुआ था लेकिन बीच में फिर छूट गया कुछ बात की वजह से, ये ब्राह्मण जाति से बिलोंग करता है और बिहार का ही रहने वाला है ये अंजना सिंह। रितु सिंह, जी हाँ दोस्तों, भोजपुरी का सबसे सुंदर और सबसे क्यूट हीरोइनी रितु सिंह, सबसे सुंदर सबसे खूबसूरत, ये इसका एक जो गीत था, जो गीता फेरो लवरी वाला खेसारी लाल यादव के साथ, ये गीत बहुत सुपर डुपर स्टार ये गीत चला, जो कि ये गीत बहुत ही चला खेसारी लाल के साथ था, और ये भुनियार जाति से बिलोंग करता है। जो दोस्तों ये रितु सिंह भुनियार जाति का है, भुनियार भी एक जाति होता है और ये भुनियार जाति से बिलोंग करता है, और बहुत सारे एक्टर डायरेक्टर के साथ ये भी काम कर चुका है, जैसे कि दिनेश लाल के साथ, निरहुआ, खेसारी लाल के साथ और बहुत सारे और एक्टरों के साथ ये काम कर चुकी है। निधि झा, इसका रियल नाम है निधि झा, इस हीरोइन का निधि झा, दोस्तों ये निधि झा ये भी ब्राह्मण जाति से बिलोंग करता है, और इसका एक गीत था पवन सिंह के साथ, ये इसका जो गीत था लुलिया वाला, और लुलिया नाम से इसको प्रसिद्ध भी हो गया, इसको नाम भी लुलिया पड़ गया है, लुलिया वाला जो गीत था बहुत चर्चित में आया और वो गीत काफ़ी हिट हुआ और उस फिल्म में भी जो बहुत ही हिट हुआ, और उसी नाम से इसको प्रसिद्ध हो गया लुलिया नाम से, लुलिया वाला जो गीत था उसी नाम से प्रसिद्ध हो गया, और ये ब्राह्मण जाति से बिलोंग करता है। और भोजपुरी का रानी चटर्जी, यानी कि भोजपुरी का सबसे पुराना और सबसे सुपर डुपर स्टार हीरोइनी, बल्कि ये मनोज तिवारी से लेके खेसारी लाल, पवन सिंह, भोजपुरी में जितना भी हीरो डायरेक्टर एक्टर है
सभी के साथ ये काम किया है रानी चटर्जी। और यह बंगोली ब्राह्मण है, ये बंगाल से है तो बंगाल से ये बंगोली ब्राह्मण जाति से बिलोंग करता है। और ये भी काफ़ी इसका फिल्म गीत बहुत ही हिट हुआ और सबसे पुराना है भोजपुरी में, इसका बहुत सारे नाम कमाया है और नाम कमाने ये सफल हुआ। भोजपुरी में इनको सबसे ज़्यादा पहचान मिला और सबसे ज़्यादा पहचान भोजपुरी को दिया भी ये रानी चटर्जी, ये बंगोली ब्राह्मण जाति से बिलोंग करता है। अब बात करते हैं अक्षरा सिंह की। अक्षरा सिंह की जोड़ी खेसारी लाल के साथ पहले बहुत जमता था, फिर उसके बाद पवन सिंह के साथ इसका जोड़ी बहुत जमा और इसका फिल्म में बहुत सुपर डुपर स्टार हुआ। पटना का बल्कि बिहार का ही रहने वाला है अक्षरा सिंह और यह राजपूत जाति से है, बल्कि अंजना सिंह यह राजपूत जाति से बिलोंग करता है और भोजपुरी का सबसे जाने सुनने वाला, सबसे सोझा सजा और सबसे क्यूट हीरोइन इसे बोला जाता है। और भोजपुरी का सुपर डुपर स्टार हीरोइन ये है अक्षरा सिंह। और अक्षरा सिंह के भोजपुरी दिखने वाला जितने लोग हैं पूरे अच्छी तरह से पहचानते हैं और काफ़ी फिल्म ये भी निकाला है और काफ़ी दिनों से भोजपुरी में भी टिका हुआ है अक्षरा सिंह, बल्कि ये और भोजपुरी का सबसे महंगा हीरोइन यानी कि अम्रपाली दुबे। अम्रपाली दुबे के भोजपुरी के में कौन नहीं पहचानता है और ये ब्राह्मण जाति से बिलोंग करता है। दिनेश लाल निरहुआ के साथ इसका जोड़ी एकदम मस्त मिलता है और माना जाता है और भोजपुरी में सबसे महंगा हीरोइन ये, इसको बैलेंस बहुत ही ज़्यादा है और ये बहुत ही, बल्कि ये यूपी का रहने वाला है और ये ब्राह्मण जाति से बिलोंग करता है अम्रपाली दुबे। दिनेश लाल के साथ और बहुत ही हीरो के साथ, ये भी खेसारी लाल के साथ, पवन सिंह के साथ इसका बहुत हीरो के साथ ये भी काम किया है और काम करने वाला भी है। अब बात करते हैं भोजपुरी का सबसे नंबर वन हीरोइन, यानी कि भोजपुरी जगत का, भोजपुरी दुनिया का सबसे नंबर वन टॉप हीरोइनी, सबसे अच्छा जो हीरोइन है काजल राघवानी। ये बल्कि झारखंड की रहने वाले है और ये भी बल्कि राव जाति से बिलोंग करता है और इसको फिल्म काफ़ी हिट हुआ, काफ़ी सुपर डुपर हिट हुआ और बहुत हीरो के साथ ये काम भी किया काजल राघवानी के। भोजपुरी में रहने वाला जितने भी भोजपुरी फिल्म देखने वाला है सब लोग इसको पहचानते हैं और सबसे टॉप हीरोइन भोजपुरी का काजल राघवानी ही है और ये राव जाति से बिलोंग करता है। राव भी एक जाति होता है और राव जाति से बिलोंग करता है। दोस्तों, मैं इस वीडियो में किसी भी जाति या किसी की भेदभाव रखने के संबंध नहीं बताया हूँ, बल्कि कोई भी कलाकार की कोई भी जाति नहीं होता है, बल्कि कोई भी उसका जाति नहीं होता है, बल्कि वह मानव जाति से बिलोंग करता है, लेकिन फिर भी भोजपुरी में बल्कि आए हैं तो उसको कुछ जानकारी लेने के लिए मैं ये वीडियो बनाया था। इसको अपने दिल पर, अपने भावना पर लेने का ज़रूरत नहीं है, बल्कि मैं इसे बस एक किस जाति से बिलोंग करता है यही बताया। तो चलिए, धन्यवाद।